असलम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल रेशमा खान रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स और आप सभी लोग कैसे हैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अलहमदिल्ला आप सबकी दुआ से हम लोग भी सब खैरियत से हैं तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल और सादा सिर्फ दो ही चीज़ों से बनाऊँगी पनीर और टमाटर इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिसम्ला कर तो मैंने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम पनीर ले लिया 250 ग्राम और यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले साबुत ले लिए हैं लगभग मैंने यहाँ पर चार से छः ले लिए हैं लौंगे चार से छः मैंने काली मिर्च ले ली है और एक चम्मच ज़ीरा एक दालचीनी का टुकड़ा तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया था उस पर मैंने लगभग चार टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल ऑयल को जैसे ही अच्छा सा गर्म कर लेंगे तेज गर्म हो जाएगा खड़े गर्म मसाले डाल देंगे दो लाल मिर्ची डाल देंगे फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये आपको पनीर की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ अगर आपके पास कम टाइम है और जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाइए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब ये पनीर बनता है एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा तो यहाँ पर मैंने टू टी डाल दिया है लहसुन का पेस्ट और टू टी डाल दिया है मैंने अदरक का पेस्ट और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनको भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है जिसकी स्मेल एक होती है कच्चेपन की वो निकल जाने तक हम इसको भूनना है जैसे ही भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे टू टी स्पून किसी भी प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो कि ये तीनों मेरे होममेड मेड है मैं जैसा कि आपसे कहती हूँ मैं वह पीस कर फ्रिज में स्टोर कर कर रखती हूँ जिससे क्या होता है हमें कम से कम टाइम में हम खाना बना लेते हैं हमारा टाइम कम खर्च होता है और जल्दी खाना भी रेडी हो जाता है तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम भून लेंगे एक बार और जैसे ही हमारे प्याज लहसुन अदरक भून जाएगा तब हम इसमें टमाटर पीस कर डालेंगे जैसा कि मैंने आपसे कहा तो लगभग ये फ्रेंड्स मैंने चार बड़े टमाटर जिसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है मिक्सी में अच्छे से और इसको एकदम फ़ाइन पेस्ट इसका बनाना है आपको बिल्कुल एकदम दरदरा नहीं होना चाहिए तो जैसा कि आप मेरा देख रहे हैं तो मैंने एकदम फ़ाइन इसका पेस्ट बनाया है इसको हम डाल देंगे और इसको भी हम भून लेंगे हल्का सा इसको मैं पहले चला लेती हूँ और इसमें हम कुछ फ्रेंड्स डालेंगे कुछ मसाले और कम से कम मसाले मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ मगर फ्रेंड्स आपको क्या ही बताऊँ कि कितना ज़्यादा टेस्टी बना था घर में माशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर वन एंड हाफ टी स्पून डाल दिया है नमक और वन टी डाल दूँगी मैं पिसा हुआ धनिया का पाउडर और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर पिसी हुई लाल मिर्ची वन एंड अफ़ टी स्पून और मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जिससे कि कलर अच्छा आएगा ये ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए वरना कोई बात नहीं आप इसको स्किप कर सकते हैं टमाटर से भी अच्छा कलर आ जाता है पकने के बाद पर मेरे पास था तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आप लोग स्किप भी कर सकते हैं अब ये सारे गरम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छा सा तेल नहीं छोड़ देगा भुन नहीं जाएगा तब तक कि हमें इसको भूनना है और माशाल्लाह कलर बढ़िया सा आ गया और देखिए जैसा आप देख रहे हैं जैसा जैसा इसका पानी जो है वो जल रहा है भुन रहा है मसाला हमारा तो जो ऑयल है वो देखिए ऊपर को कितना अच्छे से आ रहा है भुन रहा है हमारा मसाला और फ्लेम को जो है अब मैं मीडियम पर कर दूँगी और मीडियम पर करके इसको थोड़ा सा और मैंने पकाया था और माशाल्लाह देखिए चारों साइड से खूब अच्छा सा इसमें ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने भुन गया है इस टाइम पर हम डाल देंगे पनीर तो मनी पनीर को मैंने इस तरह से कट कर लिया था चौक और में कट कर लिया था आप जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप शेप में काट सकते हैं छोटे बड़े साइज़ के मैंने नॉर्मल काटे हैं तो माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही कम समय में लगभग पाँच से साढ़े पाँच मिनट में मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स से बना ली है पनीर की सब्ज़ी और माशाल्लाह क्या ही बताऊँ इतनी ज़्यादा लाजवाब बनी थी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको कम टाइम है आपके पास तो एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर मैं लगभग इसमें डाल दूँगी आधा गिलास पानी और इसको अच्छे से चला लेंगे फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही सिंपल बहुत इजी और वही घरेलू मसालों से अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाना बताती हूँ तो अगर आपको रेसिपी आज की पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया था इसको ढक देंगे ढक हम इसको पकाएँगे अच्छे से ताकि हमारे जो मसाले के फ्लेवर हैं वो थोड़े बहुत जो है हमारे पनीर के अंदर आ जाएँ तो यहाँ पर मैंने इसको लगभग तीन से चार मिनट ढक कर पकाया था मीडियम फ्लेम पर उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है इस टाइम पर और अच्छे से पक गया है अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं ग्रेवी नहीं चाहिए तो इसको भुना हुआ भी बना सकते हैं ऊपर से फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधी छोटी चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और यहाँ पर मैंने डाल दिया है धनिया हरा धनिया फ्रेश हरा धनिया काट कर मैंने लिया है करीब एक चम्मच लिया है मैंने इसको वन टेबल स्पून काट कर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी जो कि थोड़ा सा मैंने इसको रोस्ट कर लिया था तड़का पैन में और उसके बाद हाथों से इसको क्रश कर डाल रही हूँ इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर और टेस्ट बढ़िया आता है तो माशाल्लाह यहाँ पर देखिए झटपट से बनने वाला हमारा पनीर रेडी हो गया है देखने में भी कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है यकीन मानिएगा फ्रेंड्स जैसा कि देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा ही खाने में बहुत लाजवाब बना था तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो यहाँ छोटी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मगर ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब है इसको आप पूरी से खा सकते हैं और इसको आप चावल से भी खा सकते हैं रोटी से या फिर आप पराठे से भी इसको खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है माशा कम टाइम में बनती है तो फ्रेंड्स आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिल सकें तो ऐसे ही अच्छी अच्छी और सिंपल घरेलू रेसिपी के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआओं में याद रखिएगा